हेलो जनता, आपके बिना हमारा दिन नहीं बनता। तो लो, हम आ गए और एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:13। मैं सीधा लंच टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतनी देर क्लासेस वासेस थे तो सब निपटा धुपटा के हम आए। और जैसे ही मैं आया, मैं देखा कि आज का खाना पापा बना है। मतलब रोटी उन्हें गूँधा ना, हाँ रोटी क्या कह रहा हूँ, आटा उन्हें गूँधा और रोटी अच्छा हमारी बहन बना रही है, कोई नहीं। और हाँ, आज का लंच भी सेम है जैसा कल का था। देखो, मैंगो कर्ड और चटनी, रोटी ओपी। और गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरा ये व्लॉग 50th व्लॉग है। हाँ, मतलब मैंने सोचा नहीं कि मैं इतने व्लॉग्स बना पाऊँगा। 50th व्लॉग। देखो मैं बताऊँ मेरा क्या होता है, मैं कुछ भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना, एक व्लॉग डालता हूँ, अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, मैं सोचा चलो 10 बना देते हैं, उसके बाद आलस आता है। बट मैं कोई नहीं मालूम मैंने 50 व्लॉग बना दिए, सब आपके सपोर्ट की वजह से। क्योंकि मेरे को जैसे वीडियो डालता ना, कितने जने ना टेक्स्ट करते, शर्मा मस्त कर रहे काम, करता रहे, मोटिवेशन। फालतू रहने से अच्छा है कुछ काम किया करो तो अच्छी बात, कुछ कर रहे। बढ़िया, शुक्रिया। अभी हम लंच करते हैं फिर बताते हैं आज क्या क्या करेंगे। तो गाइस, मेरा लंच हो चुका है और अभी मैं बैठा हूँ एक लोगो बनाने के लिए। जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक फोटोग्राफी पेज खोलने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उसका मैंने नाम सोच लिया, तो उसी नाम का मैं एक लोगो बनाना चाहता हूँ। लोगो कुछ ऐसा होगा, मतलब ईजी टू प्रोनाउंस, देखने में अच्छा, और उससे ना एक या दो तीन मीनिंगफुल चीज़ें मैं आपको जब रिवील करूँगा ना तो मैं आपको बताऊँगा, मतलब वो लोगो का क्या मतलब है। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा माथा तोड़ता हूँ इस पर। और अभी टाइम हो रहा है 3:30, ये अराउंड 5:30 या 6 o'clock तक बन जाएगा। और आज 50th व्लॉग है तो थोड़ा स्पेशल हम करेंगे कुछ ना कुछ। तो वैसे अभी टाइम हो रहा है 6:19, मैं सो के उठ गया हूँ। और जैसे ही उठा भाई, बेंगलोर का वेदर एक तो यार बहुत तगड़ा है, बारिश शुरू हो गई, देखो थोड़े थोड़े ही गिर रहे, बट हाँ आई थिंक तेज होगी या नहीं देखा जाएगा। डेजी बेंगलोर वेदर ओपी। तो गाइस, आज 50th व्लॉग है। सुबह का खाना पापा ने बनाया और डिनर मैं बनाने वाला हूँ। मैं बनाने वाला हूँ तंदूरी आलू। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बनाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सब ए टू जेड प्रोसेस में करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। अरे ब्रो, तो इधर मदद करने के लिए मम्मी भी आ गई। सिर्फ सब्जी कट करेंगे, बाकी का काम मेरे को ही करना है। और यहाँ पे आलू सेमी बॉइल हो रहे हैं, और आलू के साथ हमने सोचा बेबी कॉर्न है तो बेबी कॉर्न को भी जला देता, थोड़ा रोस्ट कर ही देते हैं। अब कर ही रहे तो सब, क्योंकि आज मैं ज़्यादा काम नहीं करूँ, मेरे से मैं दर्द है। हाँ बढ़िया, हमको काम करवाओ, सुबह पापा अभी मैं। तो गाइस, हमारे सब्जी कट चुके हैं और अब हम बनाने जाते हैं, पूरा प्रोसेस मैरिनेशन करते हैं, मतलब लेट्स गो। तो मैरिनेशन का पहले क्या बनाना है? दही ले के डालना ना। हाँ, तो गाढ़ा दही चाहिए अपने को, तो ये दही अच्छा गाढ़ा है, डालो। बस अब बेसन डाल, दो बड़े चम्मच भर के। अभी हम डालेंगे बेसन, हल्दी आधा, हाँ हाफ टी स्पून, मिर्ची एक, हाँ गरम मसाला 10, हाफ टी स्पून मालूम है, हाफ धनिया पाउडर 1 टी स्पून, काफी है, सॉल्ट हाफ टी स्पून ना, बस जीरा डाल। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो गाइस, हमको ये लेना है, उल्टे सीजा मत सोचो यार, कसूरी मेथी है, सब उल्टे सोचते हो सब। तो गाइस, इसमें अपन डालेंगे अब थोड़ा सा फूड कलर, अच्छा कलर लाने के लिए, बस थोड़ा सा डालो, जरूर लगे तो डालो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, अभी अपने पास तो डाल देंगे, ले इससे डाल दे थोड़ा सा भर। अब मिक्स करो अच्छे से। तो गाइस, हमने यहाँ पे कोकोनट शेल रख दिया फ्लेवर के लिए। तो गाइस, अभी अपन है ना तेल को गरम करेंगे, मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ करूँगा क्योंकि इसका फ्लेवर दी बेस्ट है, ऑलिव ऑयल उससे भी बेस्ट है। बट पर पनीर टिक्का, कोई भी टिक्का आप बनाते हो
तो सरसों के तेल का ही यूज करो, इसी से असली फ्लेवर आता है। दिख रहा था। तो गाइस इधर मेरी थोड़ी फटती है तेल से, तो मम्मी आप डालो मैं घुमा दूंगा। मिक्स कर, कुछ नहीं होगा। दूर रखो, गरम गरम छेड़ गया तो होगा। तो गाइस अब अपन डालेंगे इसमें सब्जी। सबसे पहले आलू और गोभी। एक एक करके डालो। क्या बेबी कॉर्न, गोभी गोभी क्या बोलो। अरे यार ऐसा उंदा कर दो ना यार, क्या है आप नहीं है तुम नजाकत क्या है। हाँ डालो थोड़ा सारी सब्जियाँ। अब हम डालेंगे प्याज, साइड साइड में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ डालते रहो। टमाटर, शिमला मिर्च, पकड़ो मिक्स करो, एक भी बाहर नहीं आनी चाहिए। ये देखो ये अप्रूवल हो गई, ऐसे मेरे से नहीं होता है, इतना सब नहीं होता बट प्रोसेस वैसे सब आता है मेरे को बनाना। मम्मी ओपी। तो गाइस अब अपन इसमें देंगे फ्लेवर का टच, कोको। हाँ वही तंदूर। कटोरी लेना, फॉइल डाल देना और उसको बीच में रख देना। फ्रोजन कोकोनट शेल था ना उसको इस पर रख दो। घी डालो, घी पहले हींग डाल और डाल, बस घी घी अच्छे से डाल। हाँ सब तरफ जिधर है बर्न डाल डाल, बस बंद कर दो। तो गाइस इसको अपन अभी ऐसे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। और तो खाना आज मेरे स्टाइल में बनेगा तो गैस पे नहीं सीखेगा, कैसे सीखेगा वो मैं छत पे बताता हूँ। फिलहाल आप बताओ आपको कैसा लगा, मतलब मैं एट में खाना बनाता था आज बनाया, कैसा लगा। कोई मदद करता है तो अच्छा ही लगता है, अब कैसे बताएं। हम खाना भी बना सकते हैं तो हमारे शादी के रिज्यूम में लिख सकते हैं लड़का खाना भी बना सकता है। हाँ से बेवकूफ़ ही नहीं बनाता है, हाँ खाना भी बनाता है। होटल में भी नहीं उतारते हैं, खाना भी बनाता है। नहीं वो अगर पूरी रेसिपी डिटेल से चाहिए तो मेरे चैनल पर जल्दी अपलोड। प्रमोशन पूरा ले लेते हैं, कमेंट्स में बताना सेम ऐसा कुछ सी। चलो गाइस अभी छत पे चलते हैं। तो गाइस अपन छत पे आ गए और ये है फुल कोल, तो उसका मैंने एकदम देसी सेटअप कर दिया, एकदम बारबेक्यू स्टाइल में बनाएंगे अपन। अभी कोल्स को लाइट करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे दो कोल लाइट कर दिए, मतलब गैस पर रख दिया, और अब अपन इसको इन सब में डाल देंगे। और अभी हमको हवा मारना है तो इसका सिंपल ट्रिक है, एक फ़ैन ले लो, टेबल फ़ैन या कुछ भी एक फ़ैन, और उसको हवा मारो। गाइस आप देख सकते हो 5 मिनट या 10 मिनट में पूरा कोयले जल जाएंगे। एक दो जगह इतने गर्म गर्म चक्के लग रहे हैं। गाइस ये हमारा 50th व्लॉग है और हमारी ये पार्टी हो रही है, तंदूरी पार्टी। और हमारे जितने भी माइलस्टोन्स कवर करेंगे ना हमारी पार्टी ऐसी होने वाली, एकदम देसी एंड बेस्ट। वैसे दोस्तों हम लोगों ने कभी बताया नहीं पर हम देसी चीजें बहुत एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे आपको सभी चीजें बताएंगे। और मेरे को इन सब का थोड़ा ज्यादा ही शौक है, ऐसे कामड़ करने का भी मजा है। वैसे ये कोयले वोयले यही लगाता है। फिलहाल आप बताना कैसे बनाए हमने, अच्छे ही बनाए हमने, अच्छे ही बनाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा और करते हैं, मजा तो आ रहा है गर्मी में। गर्मी हाय गर्मी। मम्मी एक पीस करके बताओ कैसा बना है।
गजब। तो आपकी जॉब गई, अब हम आपको टक्कर देने वाले। हाँ, पूरी रेसिपी के लिए मेरे चैनल कोई प्रमोशन को। यार एक तो प्रमोशन बंद करो। तो वैसे बहुत अच्छा बना है, इसके हाथ में भी टेस्ट है। तो क्या बोलते हो, इसको खाना बनाते रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, ज्यादा मत बोलो, लड़की वाले आ जाएंगे अभी। हम अपना लड़का ऐसे नहीं देंगे। गाइस सच में बहुत अच्छा बना है, ग्रेट सक्सेस। हमको भी खाना बनाना आता है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे घर कभी भी आ सकते हो, मैं बना के बताऊँ। तो मैं बताओ, आज का मनोरंजन कैसा था? बहुत अच्छा। हाँ, ये बहुत मैंडेटरी, क्योंकि भाई हजम भी तो होना है। इतना ठूस लिया। तो गाइस 50वें व्लॉग की खुशी में आज पार्टी हो गई, और ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। आपका साथ, आपका प्यार बना रहे, और जल्दी से जल्दी ढेर सारी मिलियंस वाली फैमिली बन जाए। जल्दी करवा दो सबसे। पापा आपको कैसा लगा? पापा को तंदूरी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तंदूरी बहुत पसंद है। तो बस गाइज, मैं व्लॉग यहीं करना चाहता हूँ एंड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन या तो डिसलाइक का बटन दब जाना चाहिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। विद दैट सेड गाइज, दिस इज मी पराग शर्मा विथ माई बूढ़ी मोम विथ माई बूढ़े बाप साइनिंग ऑफ। हम आपसे मिलते हैं और एक नए व्लॉग में। तंदूर में तुझे तंदूर कर देंगे, बूढ़ा बाप बुलाए तो। विथ माई बूढ़ी मोम एंड जवान डेड साइनिंग ऑफ। हम आपसे मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय, एडियोस अमिगोस। कैप मिल गया, पापा डांटे, कैप ढूंढना पड़ा, मिल गया, बाय। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:19। अरे यार एक फोन भी क्या है। तो गाइस अभी टाइम नहीं, ठीक।